अभी हमारे विधायक जी के पीछे पड़ी थी, कह रही थी कि मैंने कहा था विधायक जी लगे हुए अपनी जुगाड़ में, इन्होंने कहा जंगल में ना बस्ती में ना कोई पहाड़ में, विधायक जी शिकार करते थे नदी की बाढ़ में, मछली फंसा रहे थे तो मेरी अम्मा फंस गईं, क्योंकि मैं पैदा हो गया विधायक जी की जुगाड़ में। चलिए अच्छी बात है, मैं तो पैदा हो गया, आपके बाप कहाँ हैं? ये बैठे तुम्हारे बाप, तोबा तोबा, इतनी बुरी शक्ल है तुम्हारे बाप है, हैं? हमें लाना था इसी शक्ल पर। एक शेर सुनो, मेरे बाप हैं विधायक जी, मैंने तस्लीम कर लिया। मेरे बाप विधायक जी वो शान बान रखते हैं, क्यों विधायक जी मेरे बाप रुखसाना वो शान बान रखते हैं, गाने बजाने पर भी ध्यान रखते हैं, और तुम इनसे ज्यादा ना बड़बड़ के बातें करना, चूंकि विधायक जी ऐसा सामान रखते हैं। इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है बंदूक, हम उसकी बात कर रहे हैं, आप कुछ और ना सोचिए, क्योंकि बात बहुत गंदी ख्याल की ना। अभी इनके बाजे वाले भाग गए, कहां भाग गए, इधर उधर मत जाना बे, कहीं कोई भालू वालू खा गया तो और आफत। शुक्रिया, मैं बोल रहा हूं अभी इनके, ये इधर देखे भैया, ए ए काले बच्चे, ए ए हाँ इधर देखो भंगीनाथ वर्मा, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर भाई, इधर तो देख बीड़ी पी रहा है। बताइए इतनी अच्छी फनकारा के साथ बीड़ी पीते हैं, अबे एक रुपए का बंडल लेके लानत है, कितने पैसे देती हो तुम हैं? अरे सिगरेट दिलवाया करो, फिल्टर वगैरह पिए, जरा जरा गोरे भी हों, बीड़ी पी पी के कलेजा जला रहे हैं और ऊपर से काले तवे की तरह हो गए हैं। एक दिल है जो मोहब्बत के लिए रखा है, हमने सरतन पे शहादत के लिए रखा है, तुमको ईमान की रुखसाना ताकत पे भरोसा ही नहीं, तुमने ये काले कुत्ते को हिफाजत के लिए रखा है। इधर देखो, हे कल्लू, हेलो, हे मुनुचवे, हाय हाय, अब देखा हैं वे भरभूंजे, क्या कह रहे हो तुम मेरे बगल वाले को, अरे इधर तो मुंह करके बैठो। एक शेर याद आया कि हर नालायक पे दिल है डोले, क्या खूब फिल्म थी शोले, शोले खूब बकलू से धोखा खा लिया, तेरा क्या होगा खा लिया। लेकिन ये रुखसाना मुंह इधर अपना दिखाना, काहे नहीं नन के बान मारी लू गोरी छैलन की जान, देख के तोरे रस भरे जो बना, हमरे मनवा से लूर टपकत बा, देख के तोरे रस भरे जो बना, हमरे मनवा से लूर टपकत बा, जा घड़ी सामने तू आवत हो फिर तो जियरा हमार भटकत बा, देखा गोरी ना हमका तड़पावा, आवा आवा हमरे मकान मा आवा, हमरी बतिया जो अपना मनी हो तू, जिद अपनी जो रोज करबो तू, हम करब तुझसे फिर जबरदस्ती। हम करब तुझसे फिर जबरदस्ती, और भूल जाई तो हार समस्ती, तू जो मस्ती मरोज झूमत हो, करके सोला सिंगार घूमत हो, कोई गुंडा जो मिल गवा पक्का, कोई गुंडा जो मिल गवा पक्का, तो बीच रैया मार दे धक्का।
और कहिए क्या। हेलो क्या कह रही थी तुम? हेलो मैं बाटेलवा खाला मैं बाटेलवा आज मैं भरी ले आलू पकाए। वाह 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 क्या गा रही थी। इसीलिए तो मैंने कहा क्या कि चाहे कहो दैया रे बजाओ ये विनय पब्लिक पब्लिक क्या बात है। चाहे कहो दैया रे चाहे कहो दैया रे चाहे कहो मैया रे चाहे कहो दैया रे चाहे कहो मैया रे खेत मले जा करके करेंगे क्या करेंगे क्या। अरे बताओ भाई क्या करेंगे। ए अभी कह रही थी आओ चले तो हम कह रहे चलो कहा। चाहे कहो दैया रे चाहे कहो मैया रे चाहे कहो दैया रे चाहे कहो मैया रे खेत मले जा करके करेंगे खेत मले जा करके करेंगे क्या खेत मले जा करके करेंगे खेत मले जा करके करेंगे ता थैया रे करके करेंगे खेत मले जा करके करें बस ताता थैया रे कहे कहो दैया रे मैया रे ए हेलो रुखसाना जी क्या गा रही थी आप भोजपुरी में? हमारी समझ में नहीं आ रहा था इतनी कठिन गा रही थी ना। मगर मैं तो एकदम बिंदास गा रहा हूँ बच्चा भी समझ लेगा बच्चा भी डांस कर रहा था। कितना आशिक मिजाज है बच्चा इको कम करो। कितना आशिक मिजाज है बच्चा कितनी ऊंची उड़ान रखता है दूध के दांत अभी टूटे नहीं पर हसीनों पे ध्यान रखता है। ए रुखसाना जी अबे कल्लू कल्लू हट हट भी जा साले बदबू आ रही तेरे पास हट। हाँ अभी मन बैठे थे इतनी बुरी बदबू आ रही थी। हाँ हमसे कह रही दांत सफा किया करो। ए राजा महाराजा पान खाया करते थे हैं तुम्हारे आदमियों के बगल से कपड़ों से बदबू आ रही है। अबे खटमल विजय शकल सूरत अच्छी नहीं है। वो ऐसे अभी हम बता रहे वो भी हम बता रहे। बैठी रहो पुरानी अम्मा क्यों इधर देखो रुखसाना। ए हेलो अगर मुझसे बचने की कोशिश करोगी अगर मुझसे बचने की कोशिश करोगी उठा लूंगा मैं दिन दहाड़े। अगर मुझसे बचने की कोशिश करोगी अगर मुझसे बचने की कोशिश करोगी उठा लूंगा मैं दिन दहाड़े तुम्हें लेके बाहों में घूमा करूंगा वो गर्मी हो या हो के जाड़े। अगर मुझसे बचने की कोशिश करोगी उठा लूंगा मैं दिन दहाड़े तुम्हें
लेके बाहों में घुमा करूंगा, वो गर्मी हो या हो के जाड़े। मगर भाई साहब जो किस्मत वाले लोग हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ। क्यों कहा जब जाड़े में जाएंगे तो कहा ओढ़ के रजैया रे। ए भूरेगी ना आंखें निकाल लेंगे। जियो मेरी जान आए है। ए जब तुम हंसती हो हमें कुछ कुछ होने लगता है। ए इधर देखो ना। ए ओढ़ के रजैया रे, ओढ़ के रजैया रे, ओढ़ के रजैया रे, खाओ भी मलैया रे। ओढ़ के रजैया रे, खाओ भी मलैया रे, ओढ़ के रजैया रे, खाओ भी मलैया रे। मगर खेत मले जा करके करेंगे, खेत मले जा करके करेंगे। देखो इधर सुनो, गाना मैं वो गाता हूँ, खुद गाता हूँ और पब्लिक से भी गवाता हूँ। कलाकार वो, फनकार वो जो अपनी ऑडियंस से भी गवाए। कैसे? खेत मले जा करके करेंगे, खेत मले जा करके करेंगे। क्या भाई साहब एक मतला याद आया जो बाएं हाथ पे बैठे हैं मेरे भाई लोग, आप लोगों को सुना रहा हूँ और सारे लोग सुनेंगे। अल्लाह की कसम खा कह रहा हूँ मजा आ जाएगा। ये इनके बगल में जो कल्लू खटिक बैठे हैं ये जो बैठे हुए हैं ये इनको कह रहे थे, इनको बता रहे थे कुछ, लेकिन मैं मतला कह रहा हूं। देखिए कितना फिट हो रहा है। ए कल्लू सुनो मोरे भैया रे, सुनो मोरे भैया रे, खाओ गुड़ लैया रे, सुनो मोरे भैया रे। कल्लू सुनो कल्लू भैया रे, खाओ गुड़ लैया रे, आधी रात में मेरे सांव से, आधी रात में मेरे सांव से फंस गई गैया रे। मगर ये सांड भी अच्छा नहीं लगा हमें, एक सांड बैठा हुआ है। भाई साहब जरा खड़े हो जाइए आप, हमें प्लीज तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें रुखसाना कसम है, खड़े हो जाओ, रुखसाना ही कसम है। अगर नहीं खड़े होगे प्लीज खड़े हो जाओ। क्या हो चक्कर आ रहा? देखो चक्कर आ गया हमको तुम्हें देख देख। अरे चलिए कोई बात नहीं, गैया भी जरा से चहल पहल वाली है, मगर हमारा साथ जो है जो लूज हो गया है वो सुबह 4 बजे उठेगा। जब तक के आप लोग इंतजार में रहिए, मगर कोई बात नहीं। रुखसाना जी बड़ा हंस रही, ओहो मुंह लगा कैसा कल्लू भैया हंस रहे। ए सुनो कल्लू भैया रे, सुनो कल्लू भैया रे, हाँ गुड़ लैया रे, आधी रात में मेरे सांव से, आधी रात में मेरे सांव से ये फंस गई गैया रे। और भाई साहब ये हमें जने क्या क्या बना रही थी भोजपुरी में, मगर मैं इनको क्या, बैठ जाओ। ए अब्दुल हक, अब्दुल हक वाह वाह वाह, एक और दो कस के दो। लेकिन ए भाई ये शेर सुनिएगा, मैं इम्तियाज भाई से मुखातिब हूँ। बड़ी खूबसूरत कौन है,
हाय हाय राजा भौजी हाय हाय ए इधर देखिए कितने ऐसे आशिक मिजाज कम मिलेंगे, कितने अच्छे लोग हैं जो प्यार से कुछ भी कह रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं क्या, बड़ी खूबसूरत तेरी जवानी, बड़ी खूबसूरत तेरी जवानी, अभी लाखों चाहेंगे तुझको, अभी ये कह रही थी कि ये दिखा रही थी कि बता रही थी मेरी जवानी भी क्या जवानी है। जवानी कहां से लगती है तुम्हें पता है? जवानी जब पता चलती है जब कोई माँ बन जाती है, और माँ बनने के बाद जब उसका नहान होता है, जब वो खिल के आती है। तुम तो कहां जवानी, अब जवानी क्या ए, 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 ए। मैं बता रहा हूं मैं शादी शुदा हूं यार। ए, है भाई साहब बात की नहीं, शेर सुनिए। अभी कह रही थी मेरी जवानी भी क्या जवानी, जैसे दिल्ली की राजधानी है। फिर कह रही थी हजारों डूब गए इस हुस्न के समंदर में, पता लगा न सके इसमें कितना पानी है। मगर ए दर सुनो, ये चार दिन की तुम्हारी जवानी है, मैं बताता हूं अभी जो तुम्हारी कहानी है। मेकअप से बनाया है चेहरे को तरोताजा, है माल नया लेकिन दुकान पुरानी है। अरे हाय, अरे इधर तो देखो ऐसे नमस्कार लाया राजा, आ कच्चा खा ले तुम्हें। ए क्यों ए, बड़ी खूबसूरत तेरी जवानी, बड़ी खूबसूरत तेरी जवानी, अभी लाखों चाहेंगे तुझको, मगर मेरा दावा है ए रुखसाना, मगर मेरा दावा है आना पड़ेगा, जहां हम बुलाएंगे तुझको। मगर मेरा दावा है आना पड़ेगा, जहां हम बुलाएंगे तुझको। क्यों मिला के नजरिया रे, मिला के नजरिया रे, रोकूंगा डगरिया रे, मिला के नजरिया रे, रोकूंगा डगरिया रे, खेत मले जा करके करेंगे। बताइए पहले से भाई बोल रहे हैं, शेर ऐसा होना चाहिए, मतला ऐसा होना चाहिए, मिसरा ऐसा होना चाहिए कि बच्चा भी हो उसके भी जहन में भर जाए। इन्होंने जो गाया है वो किसी की समझ में तो आया नहीं होगा, सिर्फ ताल लय समझ में आई होगी, लय अच्छी थी, तर्ज अच्छी थी, मगर ये जो गाना है सुपर डुपर हिट है। इसलिए क्यों मिला के नजरिया रे, रोकूंगा डगरिया रे, खेत मले जा करके करेंगे, तक दिन धा, खेत मले जा करके करेंगे, क्या करेंगे कल्लू, हे कल्लू ऐसा बैठे माउंड ऐसे कोई मर गया हो। अबे हम मर गए बेटा, हम मर जाएंगे तो भूखे मरोगे, क्योंकि शरीफ परवाज रुखसाना बानो से। अबे हम मर जाएंगे तेरी लड़की बेवा नहीं हो जाएगी, ये भी तो सोच ले तो पगले हैं। इसीलिए देखो, ये माना कि तुम हूर से भी हसी हो, ये माना कि तुम हूर से भी हसी हो, मगर तुम अभी मुझसे वाकिफ नहीं हो। ये माना कि तुम हूर से भी हसी हो, मगर तुम अभी मुझसे वाकिफ नहीं हो। गरज मुझसे वाकिफ है सारा जमाना, फकत एक तुमने हमें कुछ न जाना। मोहब्बत के रंगीन झूले में झूलो, मगर मेरे महबूब तुम ये ना भूलो।
मोहब्बत की बुनियाद डाली है मैंने, अंधेरे में चांदी उछाली है मैंने। अगर मैं मोहब्बत का, अगर मैं मोहब्बत का दावा ना करता, अगर मैं मोहब्बत का दावा ना करता, कभी हीर को प्यार रांझा ना करता। निगाहें सलामत उजाले बहुत हैं, तुम ही एक नहीं हुस्न वाले बहुत हैं। क्योंकि बहुत चुप रहा हूं ना, अब चुप रहूंगा। बहुत चुप रहा हूं ना, अब चुप रहूंगा। किसी रोज दामन पकड़ कर कहूंगा अल्लती तचम अदल हंसते द्वाल तल दो इचाला। ए चिंती नहीं है अल्लती तचम अदल हंसते द्वाल तल दो इचाला। तो फलचे अभी तोल लाऊं मैं ताला, सितारा तुम्हारी जमी पर सजा दूं। इधर नहीं उधर, सितारा तुम्हारी जबी पर सजा दूं, तुम्हें और भी खूबसूरत बना दूं। मगर तुम तो सीने पे रखती हो पत्थर गेहूं पीसने वाला, मगर तुम तो सीने पे रखती हो पत्थर। असर क्या करेगी दुआ मेरी तुम पर, क्योंकि जवानी का चुपे, जवानी का तुम पर नशा छा गया है, यकीनन कोई तुमको बहका गया है। अगर खूबसूरत हूं मैं भी हसी हूं, हे शाहरुख खान, आज होगा जमकर के मुकाबला, इधर है शाहरुख खान इधर जूही चावला। क्यों, अगर खूबसूरत हो तो मैं भी हसी हूं, और मेरे भाइयों का कहना है कि शरीफ परवाज से तुम फंसी हो। अगर खूबसूरत है तो मैं भी हसी हूं, कहो तो जमाने से ये बात कह दूं। क्या तू परवाज के नाम कर दे जवानी, भाई साहब। देखिए आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, अपने अपने घरों में सीडी में देखा होगा कि जितने म्यूजिशियन मेरे हैं, मेरी नज़र मेरा चेहरा आपकी तरफ है, ये मेरे पीछे बजा रहे हैं, मगर इनको कैसे पता कि शरीफ परवाज किस टाइम पे धा सम मांग रहे हैं। देखिए साहब, आपके सामने मैं पहले हाथ से एक्शन कर रहा हूँ और रिदम बंद होगा, मगर कैसे। अगर खूबसूरत है, अगर खूबसूरत है तेरी जवानी, अभी लाखों चाहेंगे तुझको। ये तो हाथ का इशारा था, मगर मेरी तरफ देखिएगा, मेरी नजर की तरफ, आपकी तरफ देखिएगा, रिदम कैसे बंद होगा, कोई एक्शन नहीं करेंगे हाथ का, सिर्फ आंख से कैसे। लीजिए फिर, क्यों बड़ी खूबसूरत तू परवाज के नाम कर दे जवानी, कसम से ये कहता है अकमल। रहूंगा हमेशा मेरी जाने जाना, तेरी आंख का बन के काजल। रहूंगा हमेशा मेरी जाने जाना, तेरी आंख बन का के काजल। क्यों सुन ले गुजरिया रे, सुन ले गुजरिया रे, गुजरिया सुन ले गुजरिया रे, बंजा दुल्हनिया रे, सुन ले गुजरिया रे, बंजा दुल्हनिया रे। खेत मले जा करके करेंगे पक 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 पक, खेत मले जा करके करेंगे तुम हा? सबसे पहले लोग बोलने लगते हैं, अजी खेत मले जा करके करेंगे
खेत मले जा करके करेंगे। एक बात याद आई, हाँ हाँ रुखसाना, जितनी पब्लिक बैठी है मैं तो चला जाऊंगा, ये बात जरूर बच्चा बच्चा याद रखेगा कि शरीफ परवाज मेरे गांव में आया था। वो बात क्या बात थी, एक दिन की बात है, इनका प्रोग्राम मेरा प्रोग्राम बॉम्बे में अंधेरी में हुआ। मैं तो कई बार गया था, ये पहली बार गई। जैसे ही वीटी पे उतरी मैं खड़ा था, इनका इंतजार कर रहा था, इनको ही मैंने यही तय कराया कराया ना, इंतजार मैं इनका कर रहा था, वीटी पे मैं इनका इंतजार कर रहा था। जब ये उतरी ट्रेन से मैं इनको बाहर लाया, बोलिए शरीफ। मैंने कहा जी। कहीं वो क्या है, हमने वो ताजमहल है। कहीं कैसा है, हमने बड़ा अच्छा है। कहीं चलो और चले, हमने चलो, मैं गया। जैसे ही इन्होंने एंट्री की ताज होटल के अंदर, इन्होंने देखा, बोली अरे इतना अच्छा। मैंने कहा हाँ बहुत रुपया लगा। कहने एक काम करो, हमने क्या, कहने एक काम करो, हमने कहा फिर आराम करो। कहने यही तो मैं सोच रही हूँ। मैंने क्या, कहने ये सो जाए। मैंने सो जाओ। कहने कितने का रुपए का यहाँ रूम है। मैंने कहा कि 15,000 रुपए से लगा के 5,000 रुपए तक का है। कहने की ले लो। मैंने 5,000 वाला ले लिया, उससे चाबी ली होटल वाले से, जाकर के रूम जो खोला तो रूम के सामने जो है, तुम्हारी अम्मा कसम, बस खा गए। इनका बंद कर दो, इनका इनका मैक बंद कर दो, इनका मैक बंद कर दीजिए भाई साहब प्लीज। बंद कर दिया, बंद कर दिया, बिल्कुल इनको भी बंद कर दो। मैं रूम के अंदर गया, लिस्ट पे एक वो चीज लिखी थी, उसमें लिखा था 2,000 रुपए खाने के, 1,500 रुपए नहाने के, 500 रुपए का साबुन, 400 रुपए की चाय, भों का 400 रुपए की चाय। मैंने कहा भाई साहब ठीक है, जो कुछ लिखा है वो लिखा रहने दो। मैं उड़ के सो गया, ये भी सो गई। जब सवेरा हुआ, जब सवेरा हुआ, सवेरे मैंने जाके कहा भाई साहब बिल बना दीजिए। उसने मालूम बिल कितने का बनाया, 10,000 रुपए का। मैंने कहा भाई साहब 5,000 रुपए रूम के हैं, 10,000 का है के बना रहे हैं। बोले 5,000 रुपए इसलिए हैं, 2,000 रुपए खाने के। मैंने कहा खाना तो खाया ही नहीं यार। कहने का नहीं खाया तो मैं क्या करूं, तैयार तो था। मैंने तैयार था, हमने 1,500 रुपए का है के। कहने का नहाने के। मैंने कहा ये भी तैयार था। कहने का जी हाँ तैयार था, 4 मेल का पानी था। मैंने कहा भाई साहब 500 रुपए का है के। कहने का लंदन का साबुन था। मैंने कहा अच्छा ये 400 रुपए का है के लगाए। कहने लगा 4 बार चाय भेजी आपका दरवाजा बंद था। मैंने कहा अच्छा ये बिल लाइए। बिल उससे लिया। मैंने कहा पेन दे दीजिए। पेन भी उसने दिया। जहां पर उसने 10,000 लिखे थे, गौर से सुनिएगा, जहां पे 10,000 लिखे थे उसके आगे मैंने 50,000 लिख दिए। मैंने कहा 40,000 हमें दे दो, 10,000 अपने काट लो। कहने लगा पागल हो गए हो क्या यार, एक रुपया दिया नहीं, 40,000 उल्टे तुम्हें दे। हमने कहा मुझे दो। कहला किस बात के दे, झगड़ा होने लगा। मैंने कहा पर हमें दो। कहला किस बात के दे। मैंने कहा बताए किस बात के दे। कहला बताओ। मैंने कहा तूने मेरी बीवी को क्यों छेड़ा। कहला कब छेड़ा। अबे हमने कहा नहीं छेड़ा तो मैं क्या करूं, तैयार तो थी। ये इसीलिए मना कर रही थी, है ना, मना कुछ भी करो काम बना ही देंगे, सबके सामने बना देंगे। क्यों ये कल्लू भी तुम्हारे कुछ नहीं कर पाएंगे। अबे खड़ा ठीक से बैठ बे, ऐसा बैठा माउंड रहा ऐसे है, अबे जैसे ऊंट बैठता हो ठीक से बैठ। ये बागबा अजीब करिश्मे दिखा रहा है, किसी को हंसा रहा है, किसी को रुला रहा है। जो लाए के गुल है वो गुल को तरस रहे है, ये गधा गुलाब सूंघ के हलचल मचा रहा है। इसलिए सुन ले गुजरिया रे बंजा दुल्हनिया रे, सुन ले गुजरिया रे बंजा दुल्हनिया रे, सुन ले गुजरिया रे बंजा दुल्हनिया रे, खेत मले जा करके करेंगे, खेत मले जा करके करेंगे ताता थैया रे, चाहे गो दैया रे।
दैया रे चाहे कहो मैया रे चाहे कहो दैया रे चाहे कहो मैया रे चाहे कहो दैया रे चाहे कहो मैया रे चाहे कहो दैया रे चाहे कहो मैया